बालाकोट में आतंकी शिविर फिर से सक्रिय हुआ है। आर्मी चीफ विपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान ने बालाकोट में आतंकी कैंपों को फिर से सक्रिय कर दिया है। इसी के चलते चेन्नई में एक कार्यक्रम में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने एयर स्ट्राइक में बालाकोट को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान इस जगह पर फिर से आतंकी गतिविधियां करने लगा है। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस स्ट्राइक में जैश के ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिए गए थे। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ने सीमा पर पूरी तैयारी की है और नियंत्रण रेखा पर भी सैनिकों को तैनात किया गया है। साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, लेकिन इन परिस्थितियों से कैसे निपटना है ये हमें अच्छी तरह मालूम है। साथ ही उनका कहना था कि हमारी सेना अलर्ट है और हम ये तय करेंगे कि घुसपैठ की ज्यादातर घटनाओं को खत्म कर दिया जाए। सेना प्रमुख ने साथ ही कहा कि हमारी उत्तर और पश्चिम की सीमाओं पर तनाव है, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ऐसे में हमें सेना का नेतृत्व करने में सक्षम लीडर्स की जरूरत है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर दोनों देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर देश को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा। हमारे पास उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर अनिश्चित सीमाएं हैं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई घुसपैठ ना हो। हमारा पश्चिमी पड़ोसी राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ा रहा है और जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। The terrorists who are threatening the shopkeepers because they want to show and project to everybody outside that there's a clampdown. Obviously, if there's a person sitting there, he's buying his dal, he's buying his rice, he's buying his milk, because the people are not dying hungry, people are still cooking, the system is working. What is happening? The shops are opening from behind. Activity is happening in the valley. Aircrafts are flying into Srinagar airfield. If the aircrafts are flying in and out of Srinagar airfield, how are the passengers moving out of the airport? The cars operating, private cars must be coming, and all this happened in a clampdown. So clampdown actually is a facade being created to a fear psychosis which is being created by the terrorists who want to project to the people of Kashmir that the people of India that the very harsh measures are being taken. I don't think that is the truth. This is far from the reality, as I've explained to you what is happening.